अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना एक गड्ढी, सब्ज़ मिर्ची 10 से 12, और जिंजर का 1 इंच का पीस, उसको स्लाइस कर लेंगे, और आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच दही। अब इसमें चॉपर में इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और अब हम इसको खोल के देखेंगे। अभी तो नहीं हुआ फाइन पेस्ट। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अभी थोड़ा सा और ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और इधर बिल्कुल चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, एक बॉल में, छोटे से बॉल में योगर्ट को अच्छे से ब्लेंड करूंगी और इसमें थोड़ी सी चटनी डाल के आपको दिखाती हूँ। सेम रेस्टोरेंट की जैसी चटनी बनेगी, क्योंकि मोस्टली जो करते हैं लोग, हम लोग तो हम जूसर के जो जग में चटनी बनाते हैं, तो और फिर उसके बाद बनाने के बाद हम किसी प्लास्टिक की जार में उसको बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो थोड़े दिन बाद ही, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका कलर काला सा हो जाता है। फिर जब भी उसको हम योगर्ट में डालते हैं, रायते में, किसी चीज़ में भी, तो वो ऐसे फ्रेश नहीं दिखता। तो अब आप जब भी चटनी बनाओ उसको ग्लास जार में बंद करके फ्रिज में रखो, उसका कलर भी अच्छा रहेगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अल्लाह हाफिज़।